नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन मलिक हरियाणवी पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा हम दो तीन लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए है। चलिए चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा राजा मीर बोझ था। राजा मीर बोझ का शासनकाल 836 से 88 ईस्वी तक रहा। राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था, इसकी जानकारी हमें पेहवा अभिलेख देता है। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में पेहवा व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 9वीं शताब्दी में हरियाणा तोमरों के अधीन था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश आया था। नेक्स्ट है, अग्रोहा हिसार से हमें एक ईंट मिली थी, उस पर संगीत के साथ स्वर साए गामा पा लिखा हुआ था। यह शास्त्रीय संगीत था। मृदुभांड मिट्टी का बर्तन होता था जो कि हर घर में प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, सूरजकुंड का पुराना नाम मयूर झील था। प्रतिवर्ष सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में 1 फरवरी में लगता है। 1 से 15 फरवरी तक यह मेला लगता है। इस बार यह 1 से 16 फरवरी तक लगा था। इस बार 34वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा था। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। इस बार इसमें प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी थी। इस बार परंपरागत शौचालय के साथ साथ ई शौचालय का इस्तेमाल किया गया था। इस मेले में एक सहभागी राज्य और एक सहभागी देश भाग लेता है। 34वें सूरजकुंड मेले में सहभागी राज्य हिमाचल प्रदेश को चुना गया था। इस बार सहभागी देश उज्बेकिस्तान था। हिमाचल प्रदेश 1996 में भी सहभागी राज्य रहा था। मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने की। इस मेले को कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। यह मेला भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लगाया जाता है। इसमें कारीगरों को 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। नंबर 1 कलामणि, नंबर 2 है कलाश्री, नंबर 3 कलानिधि। 1989 में सहभागी राज्य राजस्थान बना था। 2009 में सहभागी देश मिस्र बना था आंशिक रूप से। 2012 में पूर्ण रूप से थाईलैंड सहभागी देश बना था। 2019 में भी सहभागी देश थाईलैंड बना था। थाईलैंड को सहभागी देश बनने का गौरव 2 बार मिला है। 2019 में सहभागी राज्य महाराष्ट्र बना था। महाराष्ट्र को भी सहभागी राज्य बनने का गौरव 2 बार मिला है, पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में। विशिष्ट अतिथि 2020 में उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद आरजीएओ ये विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे 34वें मेले के अंदर थे। अन्य मुख्य अतिथि 2020 में नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, नंबर 2 है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, नंबर 3 हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल, नंबर 4 है हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन। नेक्स्ट है, मेले में कम से कम 30 देश और भारत के सभी राज्य भाग ले रहे हैं। यह मेला हर साल फरीदाबाद में लगता है। 10वीं शताब्दी में भी हरियाणा तोमरों के अधीन था। तोमरों के पतन का कारण महमूद गजनवी व उसके वंशजों के भारत पर आक्रमण तोमरों के पतन का कारण बने। 1001 से 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 1009 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर का राजा जयपाल था। 1014 में महमूद गजनवी ने दोबारा थानेसर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में राजा जयपाल को हरा देता है। महमूद गजनवी ने तोमर वंश को हराकर युद्ध जीता था। महमूद गजनवी ने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी यहाँ से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले जाता है। भगवान विष्णु को चक्कर स्वामी महाराज बोला जाता है। ऐतिहासिक मूर्ति चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति को महमूद गजनवी नष्ट करता है। महमूद गजनवी ने 1024 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक की उपाधि मिली थी। महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई थी। 1037 में महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने झांसी और सोनीपत पर आक्रमण किया था। मसूद ने झांसी और सोनीपत को जीत लिया था। मसूद ने झांसी को राजधानी बनाया था। तोमर वंश ने पहली बार चौहान वंश से सहायता मांगी थी। तोमर वंश को चौहान वंश ने हराया था।
1139 में अर्णोराज एक राजा था चौहान वंश का, इसने तोमरों को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे स्टार मार्क दिखे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ जाना। नेक्स्ट है 1156 में पूरी तरह तोमरों का अंत विग्रहराज फोर्थ ने किया। यह चौहान वंश का राजा था। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान था। थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी ही करंट जीके की भी वीडियो, हरियाणा जीके और नेशनल जीके की 2019 की मंथ वाइज हम जल्दी ही यहाँ पे लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।